हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यूक्लिकेम फोरम। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम नेक्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो ये वीडियो का आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल सीक्वेंस वाइज 26 न्यूमेरिकल में कहा है कि व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी एंड बीसीसी क्रिस्टल ऑफ द मेटल। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल ऐसा है जिसमें आपको कोई वैल्यूज दी नहीं है, बट ऐसी वैल्यू जो आपको पता होना जरूरी है, दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी का। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो 26 न्यूमेरिकल के गिवन में कुछ दिया तो है ही नहीं, बट आपको दो पॉइंट्स लिखना जरूरी है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी जो रहता है वो आपको पता होना जरूरी है, जो हम थियोरी के टॉपिक में पढ़ चुके। सो पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी कितना रहता है स्टूडेंट्स? इट्स 74%। ओके, ठीक है, इतना रहता है। साथ में दूसरी यूनिट सेल के लिए भी लिखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी यूनिट सेल, वो रहता है 68%। ठीक है, अब आपको क्या करना है, व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी एंड बीसीसी क्रिस्टल ऑफ द मेटल, यानी एक्चुअली आपको रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, देयरफॉर पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी यूनिट सेल डिवाइडेड बाय पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी यूनिट सेल। एफसीसी में रहता है 74% और बीसीसी में रहता है 68%। अब आपको इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन के लिए सिंपल सी बात है, आपको 74 का लॉग लेना है, जो कि 1.8692 आता है। ठीक है, यहां पे आपको दिख रहा है 68 का लॉग 1.8325। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो 74 का लॉग है वो लॉग में से 68 का लॉग को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, सब्सट्रैक्ट करने के बाद में जो आंसर आएगा वो आता है 0.0367, और उसका जब हम एंटी लॉग देखते हैं तो वो आता है 1.088। सो इट्स 1.088। स्टूडेंट, एक बात ध्यान में रखिएगा, परसेंटेज का और रेशियो का कोई यूनिट नहीं रहता। जैसे वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है उसे वैसे ही लिख कर रख दे, और साथ में ये लाइन फिर से, ज़्यादा बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है और आता भी नहीं है, बट हम रिस्क नहीं ले सकते और चांस नहीं छोड़ सकते अगर आ जाए तो। इसलिए सो पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी डिवाइडेड बाय पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी, ये आपका आंसर आ गया, दैट इज 1.088। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल 27 न्यूमेरिकल में कहा है द फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस ऑफ निकेल। फेस सेंटर्ड कहा है तो 27 न्यूमेरिकल के गिवन में हमें फर्स्ट पॉइंट ऑलरेडी मिल जा रहा है, और अभी आपको इस न्यूमेरिकल्स की आदत से पड़ गई होगी। एक ही फॉर्मूला है, वही तरीका है, बट फिर भी आपको प्रैक्टिस करने में कोई कंजूसी नहीं करना है। ध्यान में रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, नॉट अ स्टडी। स्टडी नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो गिवन में फर्स्ट पॉइंट नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, डिनोट करेंगे जेड से। अब निकेल का जो स्ट्रक्चर है वो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, तो जेड रहेगा 4। ओके, द निकेल हैज द एज लेंथ आपको दिया 3.5 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ओके, सो एज लेंथ ऑफ ए यूनिट सेल हम डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स ए से, और वो दिया आपको 3.5 एंगस्ट्रॉम में, और कन्वर्ट करेंगे तो वो आ जाएगा 3.5 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ऑटोमेटिक। ठीक है, ये आ गया। फाइंड द एवोगैड्रोस कांस्टेंट, फिर से ये न्यूमेरिकल काफी आसान है क्योंकि इसका आंसर हमें ऑलरेडी पता रहता है। सो एवोगैड्रोस कांस्टेंट हम डिनोट करेंगे स्टूडेंट इसे एन ए से, और ये आपको कैलकुलेट करना है। इफ एटॉमिक मास ऑफ निकेल इज 58.7, ठीक है, सो एटॉमिक मास इज नथिंग बट मोलर मास। एटॉमिक मास ऑफ निकेल डिनोट करेंगे कैपिटल एम से, और वो आपको दिया है 58.7, यूनिट रहेगा स्टूडेंट्स करेक्ट ग्राम। डेंसिटी भी आपको दिया है
Okay, so density of a unit cell, denote करेंगे D से, और वो दिया आपको 8.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके स्टूडेंट्स, देन अब आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल, डिनोट करेंगे V से, और उसका फॉर्मूला होता है A क्यूब. A का वैल्यू आपके पास में ऑलरेडी है, इट्स 3.5 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर होल क्यूब. अब इसका कैलकुलेशन अगर आप देखते हैं तो वो आ जाएगा 3 log 3.5 × 10⁻⁸ का हो जाएगा −24, और सेंटीमीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब. अब इसका कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3.5 का लॉग देखना है, ठीक है. 0.5440 का हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5440 × 10⁻²⁴ सेंटीमीटर क्यूब, तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो आपका आंसर आता है 1.632, और 1.632 का अगर आप लॉग देखते तो वो आता है 42.85, बट मैं 42.85 ना लिखते हुए 4.285 × 10⁻²⁴ की जगह −23 लिखता हूं, और ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा. सो हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया. ओके, देन देयरफॉर डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल इज गिवन एज, एवोगैड्रोस नंबर आपको कैलकुलेट करना है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला सेम अप्लाई करना पड़ेगा. देयरफॉर डेंसिटी इक्वल्स टू जेड इंटू एम अपॉन Na into V. देखिए न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करते हैं, यहां पे टोटल 5 टर्म्स दिख रही है आपको, डेंसिटी, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, एटॉमिक मास, एवोगाड्रोस नंबर और वॉल्यूम. अगर आपको इसमें से कोई भी टर्म अगर कैलकुलेट करनी है तो नो डाउट कोई इश्यू नहीं है, बट कैलकुलेशन करने के पहले आपको फॉर्मूला जैसा है वैसा लिखना जरूरी है, ठीक है. अगर आपको एवोगाड्रोस नंबर कैलकुलेट करना है तो एनए आपने यहां रखा, डेंसिटी वहां रखा, ऐसा डायरेक्ट कन्वर्जन ना करें. आप पहले फॉर्मूला शो करें, बाद में नेक्स्ट स्टेप में उसका कन्वर्जन शो कर सकते हैं आप कि आपको एनए कैलकुलेट करना है, जैसे यहां पे मैं अभी कर रहा हूं. सो एनए इक्वल्स टू यहां पे हो जाएगा जेड इंटू एम अपॉन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. ओके स्टूडेंट्स, तो देखो मैंने यहां पे कन्वर्जन किया. अब आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट अप करना है. Na इक्वल्स टू जेड का वैल्यू आपके पास में ऑलरेडी है, इट्स 4 × मास आपको दिया है 58.7 डिवाइडेड बाय डेंसिटी आपको दिया है 8.94 × वॉल्यूम आपने कैलकुलेट किया, इट्स 4.285 × 10⁻²⁰. अब नेक्स्ट स्टेप में आपको दो चेंजेस करना है, जो मोलर मास आपके पास में उसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, और 10⁻²⁰ को न्यूमरेटर में शिफ्ट कीजिए, ठीक है. सो मैं इसका कैलकुलेशन करता हूं अभी, 58.7 × 4 इट्स 234.8 × 10⁻²⁰ ऊपर जाएगा तो 10⁻²³ हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में बचेगा 8.94 × 4.285, ठीक है. तो सॉरी थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए टाइम लगा. अब आपको क्या करना है, 8.94 का लॉग देखना पड़ेगा जो कि 0.9513 है, 4.285 का भी लॉग देखना पड़ेगा 0.6319. अब ये दोनों अगर मल्टीप्लीकेशन में है डिनोमिनेटर में, तो आप उसका एडिशन करेंगे और वो आता है 1.5832. उसके बाद में आपको देखना है 234.8 का लॉग जो कि आता है 2.3706. अब ये जो 2.3706 है उसमें से 1.5832 को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो जो आंसर आएगा दैट इज 0.7874, उसका आपको एंटीलॉग देखना है, और एंटीलॉग आता है आपका 6.12 जो कि ऑलमोस्ट हमारा आंसर बराबर है. × 10⁻²³ यूनिट रहेगा स्टूडेंट्स मोल इनवर्स, यूनिट लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको,
बहुत प्रिकॉशियसली, क्योंकि इसके ऊपर में हाफ मार्क्स होते हैं। अगर आपने यूनिट नहीं लिखा तो आपके हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इसकी आदत डाल दीजिए आप। इस न्यूमेरिकल को नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 28। नंबर 23 न्यूमेरिकल में कहा है कि एज, द एज ऑफ यूनिट सेल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज 6.2 इंटू 10⁻¹ सेंटीमीटर। फर्स्ट लाइन में ही आपको एज लेंथ दे दिया है। सो 28 न्यूमेरिकल के गिवन के फर्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, डिनोट करेंगे हम स्टूडेंट उसे ए से, और वो होता है 6.2 इंटू 10⁻¹ सेंटीमीटर। एंड द डेंसिटी इज 1.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल डिनोट करेंगे डी से, वो होता है 1.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देन उसने कहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ पोटेशियम आयंस इन 0.5 किलोग्राम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, ओके, सो नंबर ऑफ आयंस इन 0.5 किलोग्राम ऑफ केसीएल हाउ मच। ठीक है, कितने रहेंगे ये कैलकुलेट करना है, इसका डिनोशन नहीं है। इफ इट्स यूनिट सेल हैविंग एफसीसी लैटिस, इसका मतलब आपको नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल दे दिया है, इट्स जेड, डिनोट करेंगे उसे जेड से, और वो दिया है 4। ओके स्टूडेंट्स, देन अब सबसे पहले अगर आपको 0.5 किलोग्राम के पोटेशियम क्लोराइड में कितने पोटेशियम आयंस है ये अगर कैलकुलेट करना है, तो आपको सबसे पहले उसका मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए जो ऑलरेडी वैल्यू पता होती है उसे लिखकर हम रख देते हैं। एवोगैड्रोज नंबर को डिनोट करेंगे हम एन ए से, और वो होता है 6.023 इंटू 10⁻²। यूनिट रहेगा स्टूडेंट्स मोल इनवर्स। अब आपको एज लेंथ दिया है तो एज यूजुअल हम वॉल्यूम कैलकुलेट करके रख देते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल डिनोट करेंगे वी से, और फॉर्मूला स्टूडेंट्स ए क्यूब। देन ए का वैल्यू आपके पास में ऑलरेडी है, इट्स 6.2 इंटू 10⁻¹ सेंटीमीटर क्यूब। देन इसका कैलकुलेशन आएगा 3 log 6.2 इंटू 10⁻²⁴ हो जाएगा, और सेंटीमीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके लिए आपको 6.2 का लॉग देखना है, जो कि 0.7923 इंटू 10⁻²⁴ सेंटीमीटर क्यूब। जब आप 0.7923 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है 2.3769। सो 2.3769 इंटू 10⁻²⁴ सेंटीमीटर क्यूब, और जब आप 2.3769 का एंटी लॉग देखते हैं तो वो आता है 238.17। सो 238.17 इंटू 10⁻²⁴ की जगह मैं 23 कर देता हूँ, और 238.17 की जगह 23.817 कर देता हूँ सेंटीमीटर क्यूब। ये आपने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि मास कैसे कैलकुलेट करना। सेम डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। सो डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल इज गिवन एज, क्या फॉर्मूला स्टूडेंट डेंसिटी का, जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू वी। आपको मास कैलकुलेट करना है तो पूरे टर्म्स को लेफ्ट में शिफ्ट कीजिए। देयरफॉर मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू एन ए इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय जेड। वैल्यूज पुट अप कर लीजिए। डेंसिटी आपके पास में ऑलरेडी है, इट्स 1.98 इंटू एन ए आपको पता है 6.023 इंटू 10⁻²³ इंटू वॉल्यूम आपने कैलकुलेट कर लिया, इट्स 23.817 इंटू 10⁻²⁰। एंड पूरे टर्म्स को डिवाइड में रहेगा जेड, और जेड का वैल्यू है 4। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 1.98 को 4 से डिवाइड कर लेंगे तो उसका आंसर आता है 0.495। तो वो आपके पास में आ गया, तो 0.495 इंटू 10⁻²³ और 10⁻²⁰ कैंसिल हो जाएगा, और सिर्फ बचेगा 6.023 एंड 23.817। सो
6.023 into 23.817. ओके, अब आपको तो कंप्लीट सिंपल कैलकुलेशन ही करना है, जिसके लिए आपको 0.495 का लॉग देखना पड़ेगा, जो कि 12.6946 है. 6.023 का लॉग 0.7798 और 23.817 का आएगा 1.3767. ओके, अब आपने क्या करना है, तीनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए तीनों के लॉग का हम एडिशन करेंगे, और एडिशन आपका आता है 1.8511, और 1.8511 का अगर आप एंटी लॉग देखते हैं तो वो आता है 70.97. सो 70.97 या फिर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 71 यूनिट रहेगा ग्राम. बट एक बात ध्यान में रखिए स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन में 0.5 किलोग्राम का जिक्र किया है, और आपने जो मास कैलकुलेट किया है वो 71 ग्राम में किया है, तो आपको सबसे पहले इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. आप उसे किलोग्राम का ग्राम में नहीं कर सकते क्योंकि उसने किलोग्राम में पूछा है, तो जाहिर है आपको इसे ही किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 71 ग्राम का 10^-20 -3 लगाना पड़ेगा, तो -3 अगर लगाते तो वो हो जाता है 0.071 यूनिट रहेगा स्टूडेंट्स किलोग्राम, और ये आया आपका मोलर मास. अब हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे, और उसके लिए ऐसा कहना पड़ेगा आपको कि इफ 0.071 किलोग्राम ऑफ KCl कंटेंस हाउ मच, 6.023 इंटू 10^23 के प्लस आयंस. सो 0.5 किलोग्राम ऑफ KCl कंटेंस हाउ मच के प्लस आयंस. अब एक बात यहां पे और गौर करने के लिए, 0.071 ये 0.5 के वैल्यू से बहुत छोटा है. 0.071 में अगर 6.023 इंटू 10^23 रहते हैं तो जाहिर है 0.5 में जो रहेंगे वो 6.023 से ज्यादा ही रहेंगे. तो आपका आंसर 6.023 से ज्यादा ही आना चाहिए, ये बात का थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आपका कैलकुलेशन आएगा 0.5 इंटू 6.023 इंटू 10^23 डिवाइडेड बाय 0.071. फिर से लॉग कैलकुलेशन करेंगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा. उसके लिए आपको 0.5 का लॉग देखना है, जो कि 12.6989, 6.023 का एज यूजुअल 0.7798. वो दोनों का हम पहले एडिशन कर लेते हैं, वो आता है 0.4787, और 0.4787 में से 0.071 के लॉग से सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो कि 2.8512 आता है. सब्सट्रैक्शन करने के बाद में आपका आंसर आता है 1.6275, और उसके बाद में जो एंटी लॉग देता है वो है 42.41. सो इट्स अ 42.41 इंटू 10^23 के प्लस आयंस. तो 0.5 किलोग्राम, आप लास्ट में ये लाइन लिख भी सकते हैं, नहीं लिखा तो भी कोई इशू नहीं है, लिखेंगे आप तो अच्छा ही है. सो आपको बाद में लास्ट में लिखना पड़ेगा कि इन 0.5 किलोग्राम ऑफ KCl देर आर 42.41 इंटू 10^23 के प्लस आयंस आर प्रेजेंट. ऐसा आपको लिखकर छोड़ना पड़ेगा. 3 मार्क के लिए न्यूमेरिकल आता है, और ऐसा न्यूमेरिकल आना ही चाहिए, 3 मार्क के लिए डिजर्व करता है, और आपको कैलकुलेशन में भी आसानी होगी. ध्यान में रखिएगा कि जो कैलकुलेशन में जो डेटा दिया है 0.5 किलोग्राम में कितने हैं ये कैलकुलेट करना है, तो उसको मोलर मास कंसिडर ना करें. ओके स्टूडेंट्स, ध्यान में रखिएगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए. ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल. नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहा है मेटालिक सिल्वर हैविंग डेंसिटी 10.45 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, तो आपको डेंसिटी दिया है. सो 29th न्यूमेरिकल के गिवन में फर्स्ट पॉइंट, मेटालिक सिल्वर हैविंग अ डेंसिटी, सो डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल डिनोट करेंगे डी से, और वो दिया है स्टूडेंट्स 10.45 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. एंड एज लेंथ दिया है आपको, सो एज लेंथ ऑफ ए यूनिट सेल डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स हम ए से, और वो दिया है 4.0 यानी 4 ही 10^-8 सेंटीमीटर. ठीक है, देन नेक्स्ट इज फाउंड टू हैव एफ सी सी स्ट्रक्चर. तो सिंपल है, नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट सेल आप बता सकते हैं. नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट सेल फॉर एफ सी सी
डिनोट करेंगे Z से और वो कितना होता है स्टूडेंट्स 4, करेक्ट. फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, ठीक है. सो एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर वो आपको डिनोट करेंगे कैपिटल M से और वो कैलकुलेट करना है, ठीक है. ऐसी वैल्यू जो आपको ऑलरेडी पता है दैट इज एवोगैड्रोज नंबर, डिनोट करेंगे हम एन ए से और वो आता है 6.023 × 10⁻²³ यूनिट रहेगा स्टूडेंट्स मोल इनवर्स. अब आपको एज लेंथ दिया है तो एक कॉमन सेंस की बात है आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट ये न्यूमेरिकल काफी आसान है क्योंकि जो एज लेंथ दिया है ना ये सिंगल डिजिट का है जिसका क्यूब आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है. सो फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक या फिर टेंथ तक भी आप आराम से क्यूब बता सकते हैं, तो वॉल्यूम में हमें तो उतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं और इवन लॉग का भी कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा. सो वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स वी से और फॉर्मूला ए क्यूब, ए में लिखेंगे 4 × 10⁻²⁸ सेंटीमीटर का क्यूब और 4 का क्यूब आपको ऑलरेडी पता है इट्स 64, बट 10⁻²⁴ ना लिखते हुए −23 लिखता हूँ और यहाँ पे 64 की जगह 6.4 कर देता हूँ. आप ये ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल में ऐसा शॉर्टकट कर सकते हैं, सामने वाले जो चेक करने वाले पेपर चेक करने वाले जो टीचर रहते हैं उनको आराम से समझ में आ जाएगा. चलो ठीक है, अब मास कैलकुलेट करना है तो डेंसिटी का सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल इज गिवन एज, क्या फॉर्मूला स्टूडेंट डेंसिटी का, इट्स जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू वी, ठीक है. अब मास कैलकुलेट करना है तो पूरे टर्म्स को लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा, देयर फोर एम इक्वल्स टू लेफ्ट में या फिर मास को कैसे भी कर सकते हैं आप चेंजेस. सो डेंसिटी इंटू एन ए इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय जेड. अब आप वैल्यूज पुटअप कर लीजिए, डेंसिटी आपको दिया 10.45, ओके. एन ए आपको पता है 6.023 × 10⁻²³ इंटू वॉल्यूम आपके पास में है इट्स 6.4 × 10⁻²⁪ एंड डिवाइडेड बाय जेड यानी 4 जो कि एफसीसी है. इसलिए अब क्या करना है आपको, 4 को आप डिवाइड कर सकते हैं 6.4 को तो वो आंसर आ जाएगा आपके पास में. सो इट्स 10.45 × 6.023 × 1.6 करेक्ट. तो 64 डिवाइड बाय अगर 6.4 अगर डिवाइड बाय 4 करते हैं तो वो 1.6 आएगा, ठीक है. 10⁻²³ और 10⁻²⁰ एज यूजुअल कैंसिल हो जाएगा. इसके लिए अभी आपको 10.45 का लॉग देखना है जो कि 1.019 है, 6.023 का ऑलरेडी पता है आपको 0.7798, 1.6 का लॉग आपको है 0.2041. तीनों मल्टीप्लीकेशन में इसलिए हम उसका एडिशन करेंगे 2.002 और उसका जब आप एंटी लॉग देखते हैं तो वो आता है 100.7 या फिर राउंड फिगर में आप 100 ग्राम भी लिख सकते हैं जो मोलर मास है. अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअली सिल्वर का जो मोलर मास होता है वो 107.9 होता है या फिर राउंड फिगर आप 108 ग्राम पकड़ सकते हैं. अगर आपका आंसर 100 ग्राम आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आंसर गलत है. न्यूमेरिकल में गिवन डेटा में जैसे आपको वैल्यूज दी जाएगी आपको वैसे ही पुटअप करना है, फिर आपका आंसर जो भी आए अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो आंसर करेक्ट ही आएगा, ठीक है. आप इसे नोट डाउन कर लीजिए. ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, आज के इस वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल में कहा है केएफ विच हैज एनएसीएल टाइप ऑफ क्रिस्टल दैट इज पोटेशियम फ्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है वो एनएसीएल के स्ट्रक्चर के समान है, सिमिलर है. अब पोटेशियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा है ये आपको एनएसीएल के स्ट्रक्चर से पता चलेगा और उसके लिए एनएसीएल का स्ट्रक्चर क्या है ये आपको पता होना जरूरी है. एनएसीएल का और सोडियम का या फिर सोडियम क्लोराइड और सोडियम का स्ट्रक्चर के बारे में आपको एक बात बता दूं, सोडियम का स्ट्रक्चर होता है बीसीसी और सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है एफसीसी. अगर न्यूमेरिकल में कहा है कि पोटेशियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर एनएसीएल के समान है तो जाहिर है सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर एफसीसी है तो पोटेशियम फ्लोराइड का भी स्ट्रक्चर एफसीसी ही रहेगा, ठीक है. ये बात को ध्यान में रखिएगा, सोडियम का स्ट्रक्चर बीसीसी है, सिंगल सोडियम मेटल बीसीसी और सोडियम क्लोराइड का एफसीसी, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है. देन
चलो कैलकुलेट करते हैं. सो 30th न्यूमेरिकल के गिवन में फर्स्ट पॉइंट पोटेशियम फ्लोराइड विच हैज एनएचसीएल टाइप ऑफ क्रिस्टल दैट इज. सो मैं भी वैसे लिखता हूं पोटेशियम फ्लोराइड हैज एनएचसीएल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज एफसीसी. सो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल डिनोट करेंगे हम स्टूडेंट जेड से और वो होता है 4. ओके ऐसे भी न्यूमेरिकल आएंगे आपको जो कंफ्यूज करेंगे बट आपकी स्टडी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डीपली चाहिए जिसकी वजह से आपको समझने में आसानी हो जाएगी. ठीक है देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन के प्लस एंड एफ माइनस आयंस. अब यहाँ पे और एक बात डिस्टेंस बिटवीन के प्लस एंड एफ माइनस इट्स नथिंग बट एज लेंथ. स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा एज लेंथ क्या होता है दो लैटिस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस. अब दो लैटिस पॉइंट्स में एक लैटिस पॉइंट रहेगा आपका पोटेशियम का और दूसरा लैटिस पॉइंट रहेगा फ्लोरिन का. दो लैटिस पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ये नथिंग बट एज लेंथ ही है. तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको एज लेंथ जो कि आपको व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन के प्लस एंड एफ माइनस आयन यानी इसका मतलब ये कैलकुलेट करना है. ठीक है इफ इट्स डेंसिटी इज 2.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपको डेंसिटी दिया है. सो डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल डिनोट करेंगे डी से और वो दिया है 2.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है देन अब मोलर मासेस एटॉमिक मासेस दिया है आपको तो हम मोलर मास कंबाइन करेंगे. सो मोलर मास ऑफ पोटेशियम फ्लोराइड डिनोट करेंगे एम से जो कि पोटेशियम का है 39 प्लस 19. अब इसका अगर आप एडिशन करते हैं तो 9 प्लस 9 18 कैरी 1 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 इट्स अ 58 यूनिट रहेगा स्टूडेंट्स ग्राम. ओके आपको ऐसा कंबाइन करना पड़ेगा सेपरेटली ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है ये बट आपको गिवन डेटा में ऐसा मेंशन करना पड़ेगा. ओके एन ए का मतलब एवोगैड्रोज नंबर अगेन. सो एवोगैड्रोज नंबर डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स हम एन ए से और वो होता है 6.02 ही दिया है बट हम 6.023 लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है. 10^23 यूनिट रहेगा स्टूडेंट इसका मोल इनवर्स. ओके अब आपको एज लेंथ कैलकुलेट करना है तो जाहिर है आपको वॉल्यूम पता होना जरूरी है. अब वॉल्यूम के लिए डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. सो डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल इज गिवन एज. ओके सो डेंसिटी इक्वल्स टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू वी. ओके अब आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो जगह रिप्लेस कर दीजिए. सो वॉल्यूम इक्वल्स टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू डी. वैल्यूज पुट अप कर लीजिए स्टूडेंट्स. जेड का वैल्यू है आपके पास में 4 इंटू मास आपने कैलकुलेट कर लिया एडिशन करके इट्स अ 58 डिवाइडेड बाय एन ए का वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10^23. डेंसिटी आपके पास में है इट्स अ 2.4. ठीक है अब 58 मल्टीप्लाइड बाय 4 करते हैं. सो 8 4 32 कैरी 3 5 4 20 20 प्लस 3 इट्स 23. सो 232 इंटू 10^23 को न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 10^-23 डिवाइड में जो बचेगा वो है 6.023 इंटू 2.4. ठीक है फिर से वही कैलकुलेशन 6.023 का लॉग 0.7798 2.4 का लॉग 0.3802 और उसके दोनों का एडिशन करेंगे तो 1.1600. अब आपको क्या करना है 232 का लॉग देखना है 2.3654 में से 1.1600 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1.2054 और उसका कैलकुलेशन का एंटी लॉग आता है 16.04. अब राउंड फिगर में 16 भी लिख सकते हैं इंटू 10^-23. ओके स्टूडेंट्स अब यहां पे और एक बात ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब. अब हमें क्या करना है 10^-23 की जगह मुझे -24 लाना है क्योंकि कैलकुलेशन के वक्त मैं आपको बाद में पता चल जाएगा. उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे
16 इंटू 10 टेस्ट पावर माइनस 23 की जगह क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं 160 इंटू 10 टेस्ट पावर माइनस 24 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम। ठीक है, बड़ा आसान है, आपको एक बात में इस बाद में आराम से धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। नाउ एज लेंथ ऑफ ए यूनिट सेल इक्वल्स टू इट्स अ क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम, एंड क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम जो आपने कैलकुलेट किया वो किया है 160 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका एंटी लॉग कैलकुलेशन करते हैं, लॉग कैलकुलेशन, तो वो आता है 1/3 लॉग ऑफ 160 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 का क्यूब रूट हो जाएगा माइनस 8 सेंटीमीटर क्यूब का हो जाएगा सेंटीमीटर। अब इसका कैलकुलेशन फिर से, इसके लिए आपको 160 का लॉग देखना है, 160.4 चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। 2.2052 को हम डिवाइड बाय 3 करेंगे तो वो आता है 0.7350, और उसका जब आप एंटीलॉग देखते हैं वो आता है 5.432। सो इट्स अ 5.432 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, बट मुझे सेंटीमीटर में नहीं चाहिए। एज लेंथ ध्यान में रखिएगा, कभी भी एंगस्ट्रॉम में या फिर पिकोमीटर में या फिर नैनोमीटर में कैलकुलेट करना है, सेंटीमीटर में नहीं चाहिए। वो हमें वॉल्यूम के लिए कन्वर्ट करना पड़ता है, ये बात अलग है। पॉइंट शिफ्ट कर देता हूं मैं दो डिजिट्स राइट में, सो इट्स अ 543.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 की जगह माइनस 10 सेंटीमीटर, एंड इट्स नथिंग बट 543.2 पिकोमीटर। ये हो गया आपका एज लेंथ जो आपने कैलकुलेट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो का ये लास्ट न्यूमेरिकल है, आप इसे बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा, और अपकमिंग वीडियोस में और न्यूमेरिकल्स पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और लाइक बटन को क्लिक करना ना भूले, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।